Welcome back to our channel Creative PU. Do it yourself. Hello everyone. आज का जो हमारा वीडियो है वो है ओल्ड वेडिंग कार्ड का यूज़ करके एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना, जिसे आप बर्थडे, वैलेंटाइंस डे, एनिवर्सरी, किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को। और ये काफ़ी सुंदर बर्थडे कार्ड है, कोई भी इसे नहीं कह सकेगा कि ये हमने ओल्ड वेडिंग कार्ड से बनाया है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जल्द से जल्दी हमारे 10K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का एक वेडिंग कार्ड लिया है। अगर आपके पास इस पैटर्न का नहीं है तो आप 2-3 कार्ड्स को ज्वाइन करके इस तरह से इतना लंबा करके इन्हें 2 फोल्ड करना है और एक यहाँ पर इस तरह से कर्व दे देना है साइड में। तो आप समझ गए होंगे 1, 2 और 3 पार्ट हैं हमारे इस कार्ड के। ये हम एक तरह से बेस शीट होती है उसके लिए यूज़ करें। फिर हम अपना मनचाहा पैटर्न पेपर लेंगे और उसे इस तरह से रख के पूरा जो इसका शेप है वो कट कर लेंगे। कटिंग मैट है आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो आप किसी ग्लास का छोटा टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे जो आपका डेस्क है वो नहीं ख़राब होगा। और हमें इस पैटर्न पेपर के ऊपर ग्लू को अप्लाई करके इस जगह पर पेस्ट कर देना है। और ग्लू मैंने यहाँ पर यूज़ करा है फैब्रिक ग्लू, और कहीं कहीं पे मैंने फेविबॉन्ड यूज़ करा है क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इस वाली लेमिनेटेड शीट पर जल्दी से स्टिक नहीं होती है। तो इस तरह से हमने एक वाइट पेज भी हमने फ्रंट पे लगा लिया। अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर की ग्लिटर शीट ले रहे हैं, और यहाँ पर मैंने 2 ग्लिटर शीट यूज़ करी है, एक ब्लैक और सिल्वर। आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी मटेरियल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक जो हार्ट खुद से बनाया था उसी को रख के सेम साइज़ के 3 हार्ट्स और बना लेंगे और उसे अच्छी शेप दे देंगे सीज़र की मदद से। सो इस तरह से हमारा ये हार्ट बनकर तैयार हो गया है, और अब हम यहाँ पर इन चारों को फेविबॉन्ड की मदद से इसके ऊपर चिपका देंगे। 1, then 2 and 3 and 4 चारों को अच्छी तरह से हम यहाँ पे चिपका देंगे। ये थोड़ा सा अगर आप फेविकॉल यूज़ करते तो ज़्यादा टाइम लेंगे, और फेविबॉन्ड यूज़ करेंगे तो फटाफट चिपक जाएंगे। अब यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है वहाँ पर मैं यहाँ रेड कलर की एक शीट को लगा रही हूँ। फिर इसके बाद इधर वाले पेज पे भी हम एक वाइट शीट लगाएंगे, और ये जो पैटर्न वाली शीट थी उससे मैंने एक हार्ट शेप का इस तरह से कट करके फ्रंट वाला जो वाइट पूरा प्लेन पार्ट है इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसको मैंने नॉर्मल वाले फैब्रिक ग्लू से लगाया है, फेविकॉल से भी लगा सकते हैं, और इसे अच्छे से हम स्टिक कर देंगे। इसके बाद हमें इसका लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसे थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। तो हमने अंदर वाले पार्ट पर एक वाइट शीट लगाई है, और इसके साथ ही हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था ना, हमने फ्रंट वाला जो कर्व कट करा था उससे जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बच गया था उसी पैटर्न वाले शीट को, हार्ट शेप वाले शीट को ले करके मैं यहाँ पर भी उसे लगा दूंगी। तो उससे एक अच्छा सा डिज़ाइन और एक अच्छा सा बॉर्डर भी क्रिएट हो जाएगा, और जो वेस्ट बचा हुआ पार्ट था वो भी यूज़ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो है ना, एक कमाल का आइडिया। सो अब हमें क्या करना है, जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स है येलो येलो और ब्राउन ब्राउन, उनको हम अपने अगले जो बचे हुए हमारे पैटर्न पेपर हैं या फिर कलर पेपर हैं उनसे हम इसको कवर करते जाएंगे ताकि जो वेडिंग कार्ड है ओल्ड उसका कुछ भी ना दिखे। अब हम यहाँ पर बनाने वाले वाटरफॉल कार्ड, तो उसके लिए हमने इस तरह से 4 छोटे छोटे कार्ड कट करें और एक इतना लंबा सा कार्ड कट करा, उसके ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर की 4 लाइंस ऐसे मार्क कर दिए हैं। यहाँ हम अपना ग्लू लगाएंगे और एक एक कार्ड को इसके ऊपर पुट करते हुए जाएंगे, और फिर कुछ इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है वाटरफॉल कार्ड, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसका आपको लिंक जो है वो आई बटन पर मिल जाएगा, तो उसे भी देख लेना अगर ये समझ में ना आए तो। सो यहाँ पर हम इन सारे लाइंस के ऊपर कर रहे हैं फेविबॉन्ड को अप्लाई, और एक एक कार्ड को इसके ऊपर रखते जाएंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो है
1, 2, 3, 4 कार्ड्स, तो सबको वन बाय वन यहाँ पर रखना है और अच्छे से इन्हें सूखने देना है। सूखने से पहले इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, वरना ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। और ग्लू को अच्छे से लगाना है, अच्छे तरीके से सभी पार्ट्स पर। और ये हमारा लास्ट वाला कार्ड है, हम इसे भी इस तरह से रख देते हैं। सो ये अच्छे से सूख गया है और अब हम बताएंगे कि इसे हमें कार्ड में कैसे लगाना। तो एक हमने रेड कलर की, जो हमारा बैकग्राउंड है उसी कलर की, ये हमने कागज़ की पट्टी ली है और जो लास्ट वाला जो था फोर्थ नंबर वाला कार्ड उसके नीचे इस तरह से लगाया है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे थोड़ा सा कट करके और इस साइड में फोल्ड कर देंगे और उन दोनों पार्ट्स के ऊपर ग्लू लगा करके हम अपने कार्ड के ऊपर इसे लगा देंगे और थोड़ी देर सूखने देंगे। उसके पहले हम इसे ओपन करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब सूख जाएगा तो ऑलरेडी ये तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है पेज, उसके ऊपर हमें क्या करना है, इस तरह का छोटा सा एनवलप बोल सकते हैं या छोटा सा पॉकेट बोल सकते हैं, इसे हम लगा रहे हैं फेविबॉन्ड की मदद से और कुछ इस तरीके से। और यहाँ हम अपने रिबन के ऊपर छोटे छोटे हार्ट्स को चिपका करके उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखेंगे, जो कि काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह की पंचिंग मशीन यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे मिल जाएगी। और अगर आपको वो लगती है कि आप वो अफोर्डेबल नहीं है, तो आप अपने हाथों से भी सिंपली कट कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पर हाँ, आपके पैसे बच जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि किसी पास की स्टेशनरी शॉप पे जाकर सर्च कीजिए, मिनिमम ये आपको 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं। सो हमने इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे कार्ड्स को हार्ट्स को लगा दिया है फेविबॉन्ड की मदद से। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर फेविबॉन्ड का यूज़ किया है, क्योंकि मतलब फटाफट चिपक जाए और अच्छे से स्ट्रांगली चिपके। और इनको हम यहाँ पर इस तरह से इस पॉकेट के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिबन के कॉर्नर पे हमने इसको लगाया है फेविबॉन्ड को और इसे इस तरह से हमने चिपका दिया है अच्छी तरीके से। सूखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमें लिखना है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ये सब हम इसके ऊपर लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसके ऊपर हार्ट चिपकाने हैं। और यहाँ पर मैं इसे मार्कर पेन से लिख रही हूँ, आप किसी भी कलर पेन, ग्लिटर पेन को यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। सूखने के बाद हमें इसे zigzag फोल्ड करके अंदर डाल देना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, फ्लावर पंच कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर हम लास्ट में रिबन बांध देंगे ताकि हम उसकी मदद से अच्छा आसानी से इसको पुल कर सके। तो हमारा वाटरफॉल कार्ड भी कंप्लीट हो गया है और ये मैं इसे zigzag में फोल्ड करके अंदर डाल रही हूँ और जो इसका कॉर्नर है थोड़ा सा बाहर रहने दूंगी और इसके ऊपर हम एक बड़ा ग्लिटर शीट रेड वाला चिपकाएंगे कुछ इस तरह से, ताकि हम इसको पुल करेंगे तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से हमारा जो अंदर का पार्ट है वो होता है कंप्लीट। और बाकी की जो डिटेलिंग है वो कर देंगे हम, और बाकी आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना लुक भी दे सकते हैं और जैसे चाहे उसे मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा ओल्ड वेडिंग कार्ड को यूज़ करके बनाया हुआ एक सुंदर सा कार्ड, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा है ये। और सबसे अच्छा तो ये हैप्पी बर्थडे वाला पुल करने वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो एक साइड में बच रहा है ना, इस पर हम एक वाइट शीट लगाएंगे और यहाँ पर फ्रंट में हम इसे इस तरह की रेड कलर की जो रिमेनिंग हमारे पास कार्ड के बचे थे ना, उनको लगा देते हैं। और मैंने उनको बोला था ना, यहाँ पे हम वाइट कलर की शीट लगाएंगे बैकग्राउंड में, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कट करके रखेंगे, जिससे कि एक वाइट बॉर्डर आ जाएगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस वाइट बॉर्डर को लाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा कट किया था। सो इस तरह से अब कोई भी पार्ट हमें ओल्ड वाला दिख नहीं रहा है, सब एकदम नया हो गया है परफेक्ट। और जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से हम देख ले रहे, चेक करें कि कुछ भी मतलब रिमेनिंग ना रहा हो, कहीं पे ग्लू कम हो तो उसे और अच्छे से लगा देंगे। और फाइनली हम यहाँ पर स्टोन वगैरह करके या फिर अपनी जो भी डिटेलिंग लिखना है, जो मैसेज, फोटोग्राफ, वो सब लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे। सो ये था आज का वीडियो और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।